गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटे, कल हमने किया था किसी पोयम पार्ट नंबर 7, जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना। पार्ट 7, साथी हाथ बढ़ाना, और इसके कवि कौन है? साहिब लुधियानवी जी इसके कवि हैं। ठीक है, साहिब लुधियानवी जी इसके कवि हैं। हमने कल पहले पहरे का सस्वर वाचन किया था, उससे रिलेटेड शब्दार्थ किए थे, और 2 क्वेश्चन मैंने बनाए थे और 2-4 आपको बनाने के लिए कहा था कि आप भी, आपने कितना सीखा, कितनी आपने व्याख्या की है, वो आप अच्छे तरीके से इसमें करें। ठीक है, तो बेटे अब हम कल एक क्वेश्चन और कल जो पोएम कराए थे उसमें से निकलता था, शायद आप कुछ बच्चों ने बनाया भी होगा, कि मेहनती व्यक्ति कहाँ पर राहें पैदा कर देते हैं, जैसे चट्टानों में। तो आज हम पोएम का दूसरा पार्ट, दूसरा स्टेंजा करेंगे, और उसका सस्वर वाचन करने के बाद ऐसे ही जिस प्रकार कल किया था हमने, ऐसे ही हम उसको करेंगे। तो देखिए, मैं आपको दोबारा से बता दूं कि जो हमारी कविता है, उस शीर्षक है, उसका शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना। इसमें कवि ने सभी को मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दी है कि अगर मिलकर हम काम करेंगे तो क्या होगा, वो कार्य आसान हो जाएगा और हम सभी उस काम को आसानी से कर पाएंगे। कितने भी बड़े से बड़ा काम क्यों ना हो, हम उस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सेकंड पहरा का मैं सस्वर वाचन कर रही हूँ आपके सामने, तो ध्यान से सुनेंगे और अपने हाथ में पेंसिल भी रखें, उनसे जो यहाँ पर वर्ड्स निकल कर आएंगे उनके आपको मीनिंग बताऊंगी मैं। ठीक है बेटे, पहले सुनिए ध्यान से। कहते हैं, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता ने साथी हाथ बढ़ाना। कहते हैं कि सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। मैंने आपको कल जब इस पोयम की समरी बताई थी तो उसमें मैंने मुख्य बात में बताई थी कि मनुष्य परिश्रम के द्वारा ही अपने भाग्य का निर्धारण करता है, यानी कि जो व्यक्ति मेहनती होते हैं वह अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हैं, ये कल मैंने आपको बताई थी इसमें। तो देखिए, कहते हैं मेहनत अपनी लेख की रेखा, लेख को अंडरलाइन कीजिए और लेख का मीनिंग यहाँ पर लिखिए, व्याख्या इसकी फिर बताती हूँ। पहले शब्द लिखिए, इससे शब्द और अर्थ, लेख, लेख होता है भाग्य, कहते हैं कर्मों का लेखा जोखा, लेख भाग्य। फिर है मेहनत से, मेहनत अपने लेख की रेखा, कभी कहता है कि हमारा भाग्य परिश्रम करना है। हमारा भाग्य क्या है? परिश्रम करना है। मेहनत से क्या डरना, तो हम जब हमारा भाग्य ही परिश्रम करना है तो हम मेहनत से क्यों घबराएं, है ना, तो हमें मेहनत करनी चाहिए। फिर कहते हैं कल गैरों की खातिर की आज अपने खातिर करना, यानी कि कवि क्या कहता है, गैरों, गैर होते हैं दूसरे, क्या होते हैं गैर, गैर होते हैं दूसरे। तो देखिए, गैर
या गैरो लिख लो, इसमें गैरो है, कल गैरो की खातिर की आज अपने खातिर, गैरो होता है परायों, पराय व्यक्ति या दूसरे भी हम बोल सकते हैं दूसरे, कल गैरो की खातिर की थी पराय, खातिर होता है के लिए, खातिर खातिर के लिए, जैसे कहते हैं ना कि उसके खातिर मेरे खातिर पानी ला दो, यानी कि मेरे लिए पानी ला दो, ठीक है, ये होता है खातिर। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, यानी कि जो परिश्रम है कल तो हमने क्या किया था, दूसरों के लिए किया था, परंतु आज हमें वो मेहनत किसके लिए करनी है, अपने लिए करनी है, यानी कि स्वयं के लिए करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि मेहनत ही क्या है, भाग्य की रेखा है, ठीक है। फिर कहते हैं अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, ध्यान से सुनना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कहते हैं कि जो सभी व्यक्ति होते हैं उन सभी व्यक्तियों को दुख भी होता है और सुख भी आता है, तो कहते हैं कि अगर हम मिलजुल कर किसी काम को करते हैं तो हमारा जो दुख है और जो सुख है वो क्या है, एक है, और हम सबका लक्ष्य जो है वो क्या है, सत्य को प्राप्त करना और परिश्रम करना अर्थात मेहनत करना, तो हमें मेहनत से घबराना नहीं चाहिए। अपनी मंजिल सच की मंजिल, आ गई ये लाइन कि अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, मंजिल होता है लक्ष्य या उद्देश्य, इसकी व्याख्या में लाइन की पहले बता गई आपको, मंजिल, मंजिल होता है लक्ष्य या हम बोल सकते हैं उद्देश्य, उद्देश्य या लक्ष्य। फिर आता है हमारे पास नेक, नेक क्या होता है, यानी कि भला या अच्छाई, नेक बंदा कहते हैं, बड़ा नेक बंदा है मीन्स भला बंदा है, अच्छा बंदा है, नेक मीन्स भला, ठीक है। रास्ता, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, तो यहाँ पर मंजिल का अर्थ हो गया लक्ष्य, नेक का अर्थ हो गया भला, और यहाँ पर रास्ते का मतलब होता है राह, ये आप लोग जानते भी होंगे परंतु फिर भी आप लिख लीजिए कि रास्ता होता है राह, ठीक है। तो अब देखिए बेटे, इसकी व्याख्या की तरफ, मैंने आपको पहले भी बताई है कि अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपना दुख और सुख एक है, इसीलिए हे साथी आओ और हम मिलजुल कर काम करते हैं। अपनी मंजिल सच की मंजिल, जो हमारा लक्ष्य है, मंजिल मीन्स लक्ष्य, जो हमारा लक्ष्य है उद्देश्य है वो क्या है, ले मतलब अपना रास्ता एक, सच की मंजिल यानी कि सत्य, यानी कि जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारे मंजिल है वो क्या है, सच को प्राप्त करना है, सच को पाना है। तो कहते हैं अपना रास्ता नेक और अपने रास्ते भी नेक हैं, अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है कि जो हमारा परिश्रम करने का उद्देश्य है वो क्या है, हमारा परिश्रम करने का उद्देश्य है सच को प्राप्त करना है, और हमारा जो रास्ता है, जो हमारी राह है, वह भी क्या है, सबका भला करना है। समझ में आया, सबका भला करना क्या है, हमारे पास इसका उद्देश्य है क्या, मेहनत करने का। कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना, इसीलिए हे साथी आओ और मिलजुल कर हम काम करें, एक दूसरे के साथ हाथ बटाओ और हम मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि ये इसमें से, इस पहले में से निकल कर आए हैं कठिन शब्द, क्या लेख, लेख मैंने होता है भाग्य, इसका उच्चारण आप लोग देख लीजिए, लेख भाग्य, गैरों परायों, खातिर के लिए, मंजिल लक्ष्य या उद्देश्य, नेक भला, रास्ता राह। इतना क्लियर हुआ सभी को?
अब इसकी व्याख्या मैंने पहले पंक्तियों से की थी, अब दोबारा से पूरे स्टैंजा का, पूरे पहरे का भाव क्या है वो एक थोड़े से छोटे से शब्दों में मैं एक बार जल्दी से आपको बता देती हूँ, दोबारा से रिपीट करती हूँ। क्या कहते हैं कवि ने, मैंने बताया प्रसंग तो आप लिखेंगे ही, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग दो, भाग एक है, सॉरी सिक्स क्लास का भाग एक है, भाग एक में साथ ही हाथ बढ़ाना कविता से लिया गया है। यानी कि जो प्रस्तुत हमारे पास जो ये पद्यांश हमें दिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, साथ ही हाथ बढ़ाना कविता से लिया गया है। इसके कवि साहिर लुधियानवी जी हैं। कौन है? साहिर लुधियानवी जी। इसमें उन्होंने सभी को मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दी है कि हमें सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए, क्योंकि मिलकर काम करने से मनुष्य का बोझ हल्का होता है और वो कार्य आसानी से हो जाता है। इतना सभी को क्लियर हुआ? तो दूसरे की मैं दोबारा से एक बार और करती हूँ कि मेहनत अपने लेख की रेखा, कहते हैं कि जो मेहनत है परिश्रम करने से ही मनुष्य का भाग्य बनता है, कि हमारा भाग्य जो है परिश्रम करना है। अगर हम परिश्रम करेंगे तो क्या होगा, हमारा भाग्य अपने आप बनता चला जाएगा। मेहनत से क्या डरना, जब हमारा लक्ष्य ही मेहनत को प्राप्त, सॉरी जब हमारा लक्ष्य ही क्या है कि सच को पाना है, या फिर हम बात करें कि जो हमारा भाग्य है वो परिश्रम से ही बनता है, तो हम मेहनत से क्यों डरें। कहते कल गैरों की खातिर, कल तो हमने वो मेहनत, गैरों मीन्स परायो, कल तो वो मेहनत हमने दूसरों के लिए की थी, परंतु आज हमें अपने भाग्य का निर्धारण करने के लिए, अपने भाग्य को बनाने के लिए वो मेहनत करनी है। फिर कहते हैं अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, और है साथी अपना, अगर हम मिलजुल कर कोई काम करते हैं तो वो अगर दुख है तो हमें वो हम सब का दुख है, अगर सुख है तो वो भी हम सब का सुख है। तो हमारा सुख भी एक है साथी और हमारा दुख भी एक ही है, तो इसीलिए है साथी कि से हम चलो मिलजुल कर काम को करते हैं। अपनी मंजिल सच की मंजिल, कहते हैं कि जो हमारी मंजिल है, जो हमारा उद्देश्य है या लक्ष्य है वो क्या है, सत्य को पाना है, यानी कि सच की मंजिल, जो हमारी मंजिल है वो सच्चाई बोलना है, सच बोलना है, और हमारा रास्ता ने और हमारी राह भी क्या है, सबका भला करना है, हमारा राह भी, हमारी राह भी नेक है। इसीलिए हे साथी आओ और हम मेहनत करते हैं और मिलजुल कर काम को करते हैं, साथी हाथ बढ़ाना और हम काम करते हैं। तो इसमें से जो वन वर्ड आंसर निकल कर आएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स, जब कंप्लीट हमारा चैप्टर हो जाएगा मैं तब करवाऊंगी, बट जो वन वर्ड आंसर है और साथ के साथ जो आपके पास वर्ड मीनिंग्स हैं, यानी कि शब्द अर्थ हैं, वो मैं साथ के साथ स्टैंजे के साथ साथ करवा रही हूँ। और वन वर्ड जो इसमें से बनते हैं क्वेश्चन, कल तो मैंने दो ही कराए थे, बाकी आप लोगों के ऊपर कहा था कि आप लोग भी कोशिश करना, क्योंकि जिस बच्चे को व्याख्या क्लियर हो जाती है बेटा, वो बच्चा खुद ब खुद क्वेश्चन भी ढूंढ लेता है उसमें से और उनके आंसर तो ढूंढ ही लेते हैं। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, साथ जो हमारे टेक्स्टुअल क्वेश्चन है कि अभ्यास के जो प्रश्न हैं, अभ्यास के प्रश्न हम करेंगे चैप्टर ख़त्म होने के बाद, बट जो हमारे वन वर्ड आंसर बनते हैं वो हम कहाँ से करेंगे, वो हम साथ के साथ स्टैंजे के साथ साथ वर्ड मीनिंग भी करते रहेंगे और वन वर्ड आंसर भी करते रहेंगे। तो ठीक है बेटे, अब हम चलते हैं अति लघु प्रश्नों की तरफ। तो ये अति लघु प्रश्न उत्तर उसमें से क्या निकल कर आते हैं, देखिए सेकंड स्टैंजा से वो जो निकल कर आएंगे हमारे पास प्रश्न उत्तर, वो मैं आपके सामने लिख रही हूँ। कहते हैं कि कवि ने साथी हाथ बढ़ाना गीत में कवि ने क्या कहा है,
साथी हाथ बढ़ाना, गीत में गीतकार ने मिलकर बोझ उठाने की शिक्षा क्यों दी है? सबसे पहले प्रश्न तो हम यही लिखेंगे, ये कल भी शायद ना बना पाए हो कोई स्टूडेंट। तो देखिए बेटे, यहाँ पर प्रश्न नंबर थर्ड जो बनता है आज के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक बनता है प्रश्न नंबर, बट जो कल दो हमने किए थे और तीसरा आज मैं करवा रही हूँ। साथी हाथ बढ़ाना, गीत में गीतकार ने मिलकर बोझ उठाने को क्यों कहा है? क्यों कहा है? उत्तर देखिए, क्योंकि मिलकर कार्य करने से, मिलकर कार्य करने से बड़ी बड़ी मुश्किल हल हो जाती है, बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं या हल हो सकती है, सामना कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर में आया था ना कि चट्टानों ने मेराहे पैदा कर देते हैं और क्या कर देते हैं, सागर मेहनत करने वालों मिलकर अगर काम करते हैं तो सागर रास्ता छोड़ देता है और पर्वत शीश झुका लेता है, अर्थात सिर को झुका लेता है। क्वेश्चन नंबर चार यहाँ पर क्या निकलता है, लेख की रेखा क्या है? लेख की रेखा क्या है? लिखिए, मेहनत। फिर प्रश्न नंबर पांच कहते हैं कि कल मेहनत किसके खातिर की थी? कल मेहनत किसके खातिर की थी? खातिर की थी तो लिखिए, गैरों की खातिर लिख सकते हो, गैरों की या फिर दूसरों की, दोनों का मतलब एक ही है, दूसरों की। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें से निकल कर आ रहे हैं बेटे। अब कहते हैं कि अपनी मंजिल कैसी है? क्वेश्चन नंबर सिक्स, अपनी मंजिल क्या है या कैसी है? उत्तर लिखिए, सच को पाना। प्रश्न नंबर सात, अपना रास्ता कैसा है? उत्तर लिखिए, सबका भला करना। ये वन वर्ड आंसर है, सबका भला करना। तो स्टूडेंट्स, ये स्टैंडर्ड से क्वेश्चन निकल कर आते हैं, तो ये आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए, सभी बच्चे इसको याद भी करें साथ के साथ, और ताकि आपको कोई प्रॉब्लम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।